पहला सवाल है कि 30 मई 2020 को पहली बार निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुआ या लॉन्च हुआ? तो इसका उत्तर होगा दो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी जो कि निजी क्षेत्र की है स्पेस एक्स ने जो है यह उड़ान भरी है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लोरिडा और कैनेडी का मिलान करने के लिए आ सकता है, कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे है? तो ये फ्लोरिडा में है। अगला है कि हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK-1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 मई 2020। 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के किस पोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलावरण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ICGS सचेत। और नेक्स्ट है कि 15 मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK-4 श्रेणी का 7वां पोत INLCU-L57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो इसको निर्मित किया गया था मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता सर्विस को। चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु दो उपग्रहों सिंगयून 201 और सिंगयून 202 का किस रॉकेट के माध्यम से सफल प्रेक्षण प्रक्षेपण किया है? तो इस रॉकेट का नाम है QAE-JOW-A1। और नेक्स्ट है कि हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, जो सही है उसको बताना है। देखिए एक सवाल तो यही यहाँ से बन सकता है कि अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। पहला स्टेटमेंट है यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जो विदेशों के लिए उपग्रह बनाएगी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इस कंपनी ने भारत में 6 विदेशी स्वामित्व वाले उपग्रहों के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा है यह फर्म स्वीडन और फ्रांस में फरवरी 2020 के अंत तक ग्राहकों को हेतु उपग्रह बनाने की सुविधा प्रदान करेगी, तो स्वीडन और फ्रांस में फरवरी 2020 के अंत तक ग्राहकों हेतु उपग्रह बनाने की सुविधा प्रदान करेगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इसको अलग से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अनंत इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा किन दो देशों में उपग्रह बनाने पर सहमति हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीडन और फ्रांस। और अगली न्यूज साथी पहल को लेकर के है, जिसमें है कि फरवरी 2020 में प्रारंभ की गई साथी पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पर जो है असत्य कथन का चयन करना है, यहाँ पे सही कथन का चयन नहीं करना है। पहला है कि इस योजना का उद्देश्य विदेशी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि विदेशी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। दूसरा है वर्तमान में देश में 3 साथी केंद्र कार्यरत हैं, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। तीसरा है कि देश में पहले ही 3 केंद्र IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बेचू में स्थापित किए गए हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट से मिलता जुलता है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगले 4-5 वर्षों में और साथी केंद्र स्थापित करना है, तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है इसका। और अगला है कि हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस Sukhoi-30 MKI को निम्नलिखित में से किस एयरबेस में शामिल किया गया है? तो Sukhoi-30 MKI को, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, इसको एयरबेस तंजावुर तमिलनाडु में जो है तैनात किया गया है, शामिल किया गया है। और अगला है कि फरवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो COVID-19 नाम दिया गया था, यानी कि जिस COVID-19 को हम जानते हैं ये नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है। फरवरी 2020 में किस देश ने एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली IADWS भारत को बेचने को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा USA, यानी कि अमेरिका। और अगला है कि 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन दो देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास जो हुआ है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में हुआ है 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य दूसरा बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा भुवनेश्वर। और अगला है कि 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया? तो ये अजय वारियर आयोजित किया गया है भारत एवं UK के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया गया? तो ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में चलाया गया, जो कि हिंद महासागर में स्थित देश है।
6 से 10 जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का क्या नाम था? तो इसका नाम था विंग्ड रेडर। तो इस प्रकार के 16 सवाल यहाँ पर हो गए हैं। बाकी की वीडियो में हम चर्चित व्यक्ति की बात करेंगे।